इतना बेहतरीन इंसान है इसने एक बार मेरी जान भी बचाई है ए आर रहमान साहब का जयपुर में शो था तो मैं किनारे पे था एज पे और मुझे पता नहीं था तो स्टेज होगी मेरे से पंद्रह सोलह फिट हाइटेट थी नीचे सरिये पड़े हुए थे कुछ और ऐसे निकले हुए थे निकले हुए थे हाँ कहाँ घुसते तो बहुत अरसे बाद एक वीडियो इंटरव्यू विथ टू वेरी लेजेंडरी बट वेरी लवेबल पीपल एंड मुझे सबसे प्यारी बात इफ आई स्टार्ट सुखी जी है कि एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल लिव आउट नेम्स मुझे लगता है सुखी जी हमेशा सुखी मोड में रहते हैं एंड कहते हैं ना कि द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू अल गॉड इज यू कैन स्टे हैपी एंड स्माइल आपको लगता है ये मोमेंट आपके लाइफ का कभी ऐसा था कि आपको लगा स्माइल करते रहूंगा तो खुदा खुश नहीं बेसिकली क्या है कि जितना हम पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से हम एक्सपीरियंस कम और उसकी यादें ज्यादा समेट लेते हैं उससे मन उदास हो जाता है yes. तो बी कंस्ट्रक्टिव Past can never be graveyard. We have to live in present, but we have to take experience from past to implement into present time. Right? Let's be constructive. थोड़ा हँसते-मुस्कुराते रहो. ठीक है, emotional भी लोगों के लिए दर्द भी रखें. जहां तक हो सके उनकी सहायता भी करें लेकिन ये ना हो कि कल को आपको भी सहायता लेनी पड़े <laughs> <laughs> Do you feel that's the sar आपके लाइफ का क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम लोग इतने इमोशंस फील करते हैं जैसे सुखी जी ने कहा mm -hmm. आपके लिए क्या होता है टू स्पेशली क्योंकि अभी बारिश है लोग बहुत इमोशनल वैसे ही फील कर रहे हैं तो आपके लिए एक मूड रखना या अपनी कंसिस्टेंसी जैसे उन्होंने कहा क्या है आपका और तो मैं बस uh... पॉजिटिव और में रहना पसंद करता हूँ और नेगेटिव uh, लोगों से दूर भागता हूँ हाँ जैसे ना अभी ना मैं बिल्कुल से हम लोग बैठे हुए हैं साथ में सुखी पाजी का इतना पॉजिटिव और है मन नहीं करता कि इनके पास से जाए तो वो लोगों के को मैं पकड़ के रखता हूँ <laughs> और वो मुझे एक अलग एनर्जी देता है मेरे मूड को मेरे uh, मेरे म्यूज़िक को तो मेरा तो यही फंडा है तो जितना पॉजिटिव बात करेंगे जितना पॉजिटिव लोगों में रहेंगे

ही होता है जी। क्योंकि आप कभी गौर फरमाए तो किसी चित्रकार को देखेंगे तो वो हमेशा वो पेंटिंग व्हाइट कैनवस पे ही बनाते हैं कोई भी तस्वीर जो आप तस्वर करते हैं तस्वीर तस्वर का ही सिस्टर कंसर्न वर्ड है तस्वीर तस्वर दोनों में तस्वर है तस्वर है कर, आप इमेजिन करते हो फिक्शन है लेकिन उसके लिए उस ऊपर रंग उकेरने के लिए आपको व्हाइट कैनवस ही चाहिए सफेद, भी भी। सफेद 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 इज सिंबल ऑफ पायस प्योरिटी फॉर्म ऑफ अ प्योरिटी तो उस पर थोड़ा भी रंग हो ना चमकता है मेरे को बड़ा अच्छा लगा जिस भी पेंटर को देखो सफेद कैनवस पे बना रहे हैं तो मैंने कहा कि इसको फॉलो कर लेते हैं अपने आपका व्यक्तित्व जो है उसको कोशिश करते कि वो पायस रहे सफेद कैनवस रंग फिर डाल रहा उस पर भर भर के रंग <laughs> है ना तो वो लाइट हार्टेड ह्यूमन है हमसे कभी कोई मिस्टेक हो सकती है लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ना मिस्टेक हो और बहुत बड़ी ना हो तो उसके लिए वी हैव टू गेट अ मैप टू गो टूवर्ड्स टू द मंजिल लोकेशन पहले यानी सीख लें किसी से तो वो थोड़ा रहता है और ज्यादा भी सियाना सियाना मेरे से होगा नहीं जाता खोचे होती ना एक <laughs> कहावत पैटर्न देर इज अन सियानप वन ऑफ पैटर्न जावेद सो इंटलेक्चुअल एंड टू बी इंटेलिजेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट वी लाइफ Because we are human beings. Yes, yes but uh, when you are intellectual, when you are intelligent, you have to understand the meaning of confidence and belief. And you have to choose one of that. Yeah. And you have to know that confidence can lose, belief never loses. So wa. I believe, I believe, I have a friendship with confidence, but I have love with belief. Are wa. So, Orome Kaha tha? वेन एवर वी गेट ऑल आर्टिस्ट वेवर वी गेट अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर फिल्म हमें बहुत खुशी होती है बड़ा मज़ा आता है मैं जावेद सुबह से मैं लिख के लाया थोड़ा सा हमें लिखना पड़ा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये गाना ये ना ना गाया तो धीरे 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 ये शब्द जो है इसके अल्फाज जो हैं जुबान पर है। चढ़ रहे, है। तो रहे हैं तो तह दिल से शुक्र गुजार हैं हम नीरज पांडे साहब का अपना करीम साहब का और मनोज मनोज जी का और बड़ा मजा है तो दोस्तों जावेद अली खलीब अली खीब सो हाँ ये इतना बेहतरीन इंसान है इसने एक बार मेरी जान भी बचाई है ए आर रहमान साहब का जयपुर में शो तो मैं किनारे पे था एकदम एज पे और मुझे पता नहीं था तो स्टेज होगी मेरे से पंद्रह सोलह फिट हाइटेड थी नीचे सरिये पड़े हुए थे कुछ और, और ऐसे निकले, हुए थे निकले हुए थे हाँ कहाँ घुसते तो नहीं नहीं।, <laughs> नहीं 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 आप नहीं मैं तो ऐसे बोल रहा तो या तो, <coughs> तो इसने दूर से आवाज लगाई इतना साउंड भी चला भाग क्या है सुखी जी प्लीज हट जाइए एकदम मैच पे थे पीछे मुड़ के देखा अगले ही पल कुछ भी हो सकता तो था, ये था। इसके साथ पहली दफा बहुत मजा मजा आया तो ये गाना जो है ये हमारा पहला गाना है साथ में जी और हमारा एक साथ में एंड ऑफ कोर्स एमएम क्रीम साहब के लिए सुखी जी का पहला गाना है मेरा भी पहला गाना है परफेक्ट

ओ अच्छा अच्छा तो हम लोगों ने तो हम तो हमारे चारों तरफ का और फैमिली और लोगों का पहलवानों का ही है पहलवानी और सिंगिंग तो आ, इनके लिए मैंने रोमांटिक भी गाए हैं दीवाने में दीवानगी में क्या हाँ। तो, कयामत कयामत मत कयामत तो ये दिस सॉन्ग हैज कॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन बैले है जो मैंने मैसेज दिया एम एम करीम साहब को मैंने जब पूरा गाना सुना बहुत खूबसूरत वेरी वेल डिज़ाइंड एंड वेरी वेल संग वेरी वेल रिटन और पर्दे पे भी वो इसका मिजाज बहुत कमाल का है रंगीन है तो एक फीलिंग अच्छी आ रही है कि एक बेहतरीन फिल्म बेहतरीन गाना गाया है और ये हमारी ज़रूरत भी है वी हैव अ पैशन बट वी नीड जैसे आई से कि आई लाइक किसी ने कहा कि आप सुखी जी आप आएंगे तो मैजिक हो जाएगा सर ऐसे मैं गिलास में से कबूतर निकालने वाला नहीं हूँ भाई मैजिक कैसे हो जाएगा अभी देखा ना हमने मैजिक थोड़ी अरे बड़ा बसा दिया इसने कमाल है तो उसमें हमें चाहिए सोना राइट right. फिर गहने हम बना लेंगे सोना हमें देता है राह रस्ता वो कंपोजर एक्चुअली कंपोजर जो है ना मैं किसी भी गाने का थर्ड कैरेक्टर हूं मैं तीसरा इंसान हूं मैं पहला कभी नहीं हो सकता हूं ही नहीं मैं i cannot even imagine myself that i'm the first person of the song and when in case of if i receive any reward or award or whatever it doesn't belong to me It first of all belong to the person who has created the melody or has written the song they are the first people i'm the third person but i have to be the last and the most important sugee javed he's like आई डोंट नो अ लिटिल वंडर और अ लिटिल जीनियस इनकी आवाज में आपको क्या मुझे जैसे एक बहुत प्यारी आवाज़ लगती है थपकी वाली आवाज लगती है आपको इनकी आवाज में मैजिक क्या लगता है जो हम अंदर से होते हैं ना वो हमारी हमारे कर्म में आ जाता है हमारे एक्ट में आ जाता है मेरे बोलने से सच नहीं है ये पहले भी सच था जो हम अंदर से होते हैं ना वो हमारे चेहरे पे भी आ जाता है और जो हमारी शिद्दत जो हमारा प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन है उसमें भी आ जाता है इसमें कोई तो इखलाक होगा कोई तो मोहब्बत होगी जो इसकी आवाज में एक रूहानी है मैं थोड़ा शरारती तत्व हूं मैं नोटी बॉय हूं फिर भी आपकी आवाज में रूहानियत है रूहानी पर एक बात है कभी डांस बीट चल रहा हो ना तो मेरे को लगता कि अगर किसी को चाहिए ना कि यार ये पूरे का पूरा सुखी अगर लूटना है तो आप मेरे को डांस बीट दो फिर देख कैसा तमाशा करता मैं ये चैलेंज नहीं है मौज है ये मैंने वहां से ली है दरगाहों से मैंने फकीरों को नाचते देखा है मैंने एक ऐसी आया देखी है जिसके पीछे ना तो दौलत लुटानी पड़ती है ना कोई किसी के को हुसन का मोहताज है ना उसका रास्ता ढूंढने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है वो अंदर ही है आपके वो जब तलखियां आपके पैरों पे नाचती हैं तो हुस्न बन के आपके चेहरे पे उतर आती है ना समझ मुझे बतलाए ना जे कुछ भी मुझे समझाए ना पकड़ा जो मोहब्बत का पल्ला पल्ले का रंग बताए ना रंग इतना चढ़ा के तपक गया होंठों से आंख में ठहर गया मैं भी सोचा खबरें किथे मेरी नब्ज़ गई मेरी नब्ज गई नहीं मैं समझ गई नहीं मैं समझ गई ताल में यूज किया था बट ओरिजिनल इट इज़ बाय यस एनीवे तो ये होता है तो अंदर का जो आपका अंतर मन होता है ना वो हमारा दोनों का पैशन क्या है सिंगिंग yeah. वही है ना अब वो प्रोफेशन भी है क्योंकि हम चाहे एक रुपए ले दो रुपए ले है ना क्योंकि हमें भी अपना जीवन भी जीना है ना तो उसे प्रोफेशन भी कर बट फर्स्ट उसका पैशन है दोनों कॉम्बिनेशन लेकिन वो कैसा है आप सैड सॉन्ग दे दो लाई भी ना गई आप मुझे हॉले हॉले दे दो आप मुझे बंधन दे दो आप चाहे ये गाना है जावेद का भी हमारा वो अस्तित्व हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारी आवाज के जरिए हमारा चरित्र बताता है तो सादगी होगी इस लड़के में रवानगी होगी गला भी काम करता है और मेरे को तो लगता है कि बेस्ट सिंगर yeah. तो ऐसी बात तो, इज नहीं नहीं अब मैं नहीं कहता तो तो भी तुम बेहतर हो नहीं नहीं तो भी तुम नहीं जो जिसकी जरूरत होती है कितने भी हमारे पास मशीनें कितने भी हमारे पास आ, ट्यूनिंग की मशीनें जो कि जिसके खिलाफ हाँ हाँ जिस कितनी भी आ जाए वो उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं मैं एरा हूं मैं मॉडर्न इराक को एक्सेप्ट करता हूँ क्या आई एक्सेप्ट बट क्या एक चीज जब खाना खाते समय आप आचार रखते हो तो खाना भी दाल सब्जी रोटी वेज नॉन वेज जो भी शौकीन अब पूरे खाने अचार के साथ खा के तो बदहजमी तो होगी तो एक तरह की एक नई नई चीजें टेक्निक आती है पर कहां तक इस्तेमाल करते हो आप पूरा ही पूरा तो वो उसमें भी लेकिन नेचुरल और कागज के फूल कभी खुशबू नहीं दे सकते हाय हाय सो वेल सेड आप लगे हैं ना आप जाके देखिए जहां पर पहले पंछी उड़ते थे अब गायब हो गए वहाँ तस्वीरें बनी हुई हैं पंछियों की फीलिंग नहीं आती तो ये चीजें जो है ना ये एक्सपीरियंस डज वर्क, जो जो अभी औरों में कहा, कहा दम था जो इसका हम तू भी नाम रख रहे हैं तू यानी हू बहू यू वो कहते हैं ना कि मैं आत्मा तू परमात्मा तू बिल्कुल मेरे पास मैं बिल्कुल तेरे पास दैट इज Here we have in the song too, that you. इस गाने का जो है ना दो डिफरेंट शेड्स है सुखी बाजू का एक मलंग अंदाज में गाता है तो जब मेरी जो मैं आता हूँ उसमें तो ना वो एकदम वो सटल हो जाता है एकदम पूरा उसमें ठहरावा जाता है yeah. तो दो डिफरेंट शेड्स एम एम क्रीम साहब ने इस गाने में दिए हैं ब्यूटीफुल लिखा है लिखा भी बहुत अच्छा बहुत

जो गोविंदर सिंह तो कहने का मतलब ये कि बहुत बेहतरीन गाना है और है और लोग पसंद कर रहे हैं जे। और जनरली हम यहाँ वहां जब यात्रा करते तो वहां से भी आइडिया आ जाता है और ये हाँ और ये शब्दों को पिरोना ये एक्चुअली मेरे को लगता है ये डायरेक्टर सॉन्ग है पूरी तरह से विजन है इस गाने विज़न है। पूरी कहानी टेलिंग सॉन्ग कह है।, है। क्योंकि आप स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और अभी है। वर्ल्ड कप चल रहा है। एक गाना दोनों प्लीज़ डेडिकेट कीजिए टीम के लिए। बिकॉज़ sure हौसला अफजाई होगा ये गाने हम उनको रेसर uh, well, uh, uh, भी रहा uh, हूँ मैं हमारे हिंदुस्तान के हमारे इस देश की धरती का एक नायाब खिलाड़ी जो अपने आप में एक तोहफा है इस देश को सुनील छेत्री अच्छा। सुनील छेत्री आई वुड लव टू एप्रिशिएट अबाउट हिम आई कैन सिंग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स इन वेरियस ऑफ स्पोर्ट्स वी हैव अ लेजेंड्स नो डाउट टेनिस क्रिकेट हॉकी रेसलिंग इसका भी किरदार अलग है सुनील छेत्री तो 30 साल खेलना फुटबॉल एक ऐसी गेम है कि जिसमें आधे घंटे में तगड़े तगड़े पहलवानों का क्योंकि हमें हंड्रेड मीटर की रेस, ए, 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 रेस में फुटबॉल खेलने को बोला जाता था अच्छा उसमें माइंड और लेग्स दोनों चलती है फुटबॉल में ना फुटबॉल में आप आ, ये बहुत टफ गेम है बहुत टफ गेम है तो लाइक हाउ वी नो स्टैमिना उसके लिए हमारे तो, हमारे tennis. पास है, क्रिकेट है बट वी हैव फुटबॉल वी हैव हॉकी वी हैव टेनिस वी हैव कबड्डी वी हैव रसलिंग ट uh, पीटी ने आज कल कितने लोग हाँ, आ गए हाँ पीटी ऊषा जैसो को जन्म दिया मिल्खा सिंह को जन्म दिया है और क्रिकेट uh, uh, में एक बहुत ही लाडला प्यारा इंसान सचिन तेंदुलकर जैसे इतना हम्बल रे बाप रे बाप रे मेरे से भी ज्यादा हम्बल सो वी हैव अ वेरिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इन आर कंट्री सो आई वॉज थिंकिंग वैन एम एन गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ दिस क्यूट बॉय सुनील छेत्री को मेरा शत शत प्रणाम मैं उनका मान सम्मान करता हूं वो रिटायरमेंट की बात नहीं है वो अभी से लबरेज है वो इंसान सो yeah. so, एक लाइन उनके लिए आप गाना चाहेंगे खुश रहो आबाद रहो तंदुरुस्त रहो मौज करो लव यू सो so स्वीट

कि जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है छक्के छुड़ाए हुए हैं अच्छा बस चीज को कायम रखिएगा और बस इस जज्बे के साथ में हम एक कप लाके दे दीजिए प्लीज थैंक यू सो मच रेडियो रेडियो सिटी सिटी रग रग रगर श्री